रीवा में चोर ने एटीएम बूथ में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ की है, जहां चोर ने एटीएम बूथ में तोड़फोड़ कर एटीएम से कैश चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं पूरी घटना एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना रविवार देर रात की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को शाम को सामने आया। सीएसपी रितु उपाध्याय ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ में रविवार और सोमवार के दरमियानी रात अज्ञात चोर ने कैश चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करने में नाकाम हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चोर देखा गया है, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। हम जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। रविवार की दरमियानी रात प्रकाश चौक में पंजाब नेशनल बैंक में कुछ अज्ञात व्यक्तियों, जो आपके माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें देखा है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, और उक्त संबंध में आज आवेदन भी प्राप्त हुआ है थाना कोतवाली में। आवेदन संज्ञान में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए गए हैं और उसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, आरोप जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की अभी चेहरा दिखा हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने पूछताछ स्टार्ट कर दी है और जैसे ही जानकारी मिलती है अज्ञात आरोपी की, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मैडम, ये बैंक प्रबंधन के द्वारा एटीएम बूथ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती है, अभी सुरक्षा नहीं रहती है, ऐसा क्यों होता है? सुरक्षा व्यवस्था बैंक रखते हैं अपने बैंक एटीएम्स में और बैंक के जो ऑफिस होते हैं, परंतु उक्त समय वह कर्मचारी कहाँ था इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। उनके द्वारा सिर्फ एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि रविवार की दरमियानी रात जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ अज्ञात आरोपियों ने चोरी का प्रयास किया है और टूट फूट की है, जो है वो शिकायत है। तो शिकायत को अभी संज्ञान में लिया गया है, शिकायत को जाँच में लेकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।